पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आज जो जनरल ग्राम पंचायत इलेक्शंस राज में होने जा रहे हैं उनकी डेट्स की घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से ही पूरे स्टेट में जहां जहां पर पंचायतों में इलेक्शंस करवाए जाने हैं उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी आज से लागू हो गया है। शेड्यूल के अनुसार 27 सितंबर को नॉमिनेशंस की प्रक्रिया ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों की चुने जाने के लिए वो प्रक्रिया शुरू होगी। तो 27 सितंबर को जो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कोई भी उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन पेपर दे सकता है, इसका समय होगा 11 से 3 बजे तक। 4 अक्टूबर तक 3 बजे नॉमिनेशन पेपर्स रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तरों में प्राप्त होंगे। 5 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर्स इसकी स्क्रूटनी करेंगे, नॉमिनेशन पेपर्स जो जो भी प्राप्त हुए हैं। और 7 तारीख को, क्योंकि 6 तारीख को एतवार है, तो 7 तारीख को विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर्स के लिए समय दिया गया है 3 बजे तक, और उसके बाद लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की जाएगी, सिंबल्स वगैरह अलॉट किए जाएंगे और कैंपेन का पीरियड जो है वो शुरू होता है। कमीशन ने घोषणा की है कि इलेक्शंस, ग्राम पंचायत की इलेक्शंस 15 अक्टूबर को किए जाएंगे। पंद्रह अक्टूबर को जो इलेक्शंस होंगे वो सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक करवाए जाएंगे। 4 बजे के बाद बैलेट बॉक्सेस को, जितने भी वहाँ पर पोलिंग बूथ्स में हाजिर वोटर आए हुए हैं उनको सबको वोट्स दिलवा के और बूथ पोलिंग बैलेट बॉक्सेस को बंद किया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। उसके बाद अपनी कार्रवाई करते हुए पोलिंग स्टेशन के अंदर काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और उसमें रिजल्ट उसी दिन को डिक्लेयर किया जाएगा। कुल पंजाब में इस समय 13,237 ग्राम पंचायत हैं और इनमें से हर एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच और जितने वार्ड्स है कि है उतने पंच चुने जाएंगे। तो एक वोटर जो है वो उसको 2 बैलेट पेपर इशू किए जाएंगे, एक पिंक रंग का होगा जिसमें सरपंच की वोट होगी, बैलेट पेपर उसका होगा, और एक सफ़ेद रंग का होगा जिसमें उस वार्ड में जो कंसर्न्ड पंच है उनके नाम होंगे। हमने एक नोटा का भी प्रबंध किया हुआ है, तो हर एक बैलेट पेपर पर लास्ट पर नोटा का एक होगा, तो जिसने भी अगर चाहते हैं तो नेचुरली वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। सरपंच की चोन के लिए 40,000 का एक्सपेंडिचर लिमिट रखा गया है और पंच की चोन के लिए 30,000 का एक्सपेंडिचर रखा गया है। कमीशन से की तरफ से तकरीबन 96,000 स्टाफ जो है अलग अलग लेवल्स के वो इलेक्शन प्रोसेस में अपना योगदान देंगे और ऑब्जर्वर्स भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में सीनियर ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे, जो आईएएस या पीसीएस रैंक के होंगे, सीनियर वाले होंगे, उनको लगाए जाएंगे ताकि जो हमें कमीशन को समय समय पर अगर कोई इशू रेज होता है तो हमें सूचित भी करेंगे और रिपोर्ट्स वगैरह भी करेंगे और ओवरऑल ओवरसी भी करेंगे। तो इस तरह कमीशन ने अच्छे और सही तरीके से ग्राम पंचायत की चोन कराने के लिए पूरा अपना प्रबंध किया हुआ। टोटल कितने वोटर हैं सर, और पैरामिलिट्री बाहर से ही मंगाई जाएगी या पंजाब से ही? टोटल इस समय वोटर्स पंजाब में 1,33,927,922 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और जो सिक्योरिटी वगैरह का प्रबंध है, लॉ एंड ऑर्डर का है, वो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा है, वो पुलिस के साथ पूरा संपर्क करके हर एक पोलिंग स्टेशन का जो लिस्ट है
वो पुलिस अथॉरिटीज़ को दे रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि हर एक पोलिंग स्टेशन में प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं।